बड़े बुला आपने विष्णुदेव यादव विष्णुदेव यादव कौन है आइए ना वासुदेव यादव विष्णु डॉक्टर है यहाँ इसलिए तो आ गए हो जाओ ना यहाँ काम ठीक है तब की है तभी ना आपको भरोसा हुआ नहीं तो पहले तो डर पैदा हुआ अब दूसरे आंख में दिक्कत ना होगा इतना तुमने करके काम किया ना ठीक हो सही है कुछ जरा लख ले सही बात लखा दे रहा ठीक है अभी आपको कैसा दिख रहा है कुछ नहीं आगे दूर कुछ नहीं है अभी टेंशन बढ़िया दिख रहा है जो तो नहीं किया है उसमें बिंदास आइएगा बिना डर के मार जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं हमको कुछ डर नहीं उसमें जो करे कौन जी बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं क्या मतलब इनको जो है ना अब डर नहीं है ऑपरेशन में बोलता है तो भाई अब मतलब कोई दिक्कत ना दूसरे आँख में कोई दिक्कत ही नहीं होगा सुइया भी नहीं लगाएगा ऐसे ही अब तो मतलब सिखा देता ना घरे में अपने से हो जाता पेशेंट के ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को यहाँ रखा जाता है कुछ दिन के लिए कुछ देर के लिए तो अभी मैं भी अपने पेशेंट को ले आया हूँ और अभी देख लीजिए वार्ड ये पेशेंट वार्ड दोस्तों सुबह सुबह जब मैं आया था उसमें बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और अभी मेरे पीछे देखिए क्राउड कितना ज़्यादा हो गया है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया है अभी इतने भी सारे लोग इसमें से 100% लोग इंडियन हैं सारे इंडिया से ही आए हैं और देख लीजिए क्राउड पूरा मछली बाज़ार बना हुआ है इधर देख लीजिए मछली बाज़ार है पूरा और फिलहाल जो है मेडिसिन भी हम लोग ले लिए हैं और काला चश्मा भी ले लिए हैं और अभी जो है इसको लेकर के जा रहे हैं घाट के पास में चलिए और ले जा करके वहाँ यहाँ पर मम्मी अभी छोड़ी गई है वार्ड में वहाँ रख देंगे उसके बाद कुछ खाएंगे और खाने के लिए मेरे पीछे देखिए कैंटीन यह है कैंटीन यहीं पे खाया जाएगा देखते हैं यहाँ खाना क्या मिलता है वहाँ की वार्ड देख तो आपने देख ही लिया होगा यह है वार्ड जनरल वार्ड कितने करोड़ का लेंस लगाइए सोना यहीं पे है और चलते हैं आप तो दोस्तों पहले हम लोग जनरल वार्ड में थे और अभी जो है कि वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं एक स्पेशल वार्ड में ये जो है प्राइवेट वार्ड है और वहाँ से ज़्यादा अच्छा सेफ्टी है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये है वो वार्ड और यहाँ पर मेरी मम्मी लेटी हुई है एक बेड यहाँ पे है और एक बेड यहाँ पर है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है
ये बहुत ही बेहतरीन बात है जो चार्जिंग पॉइंट दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट का बहुत कमी है। अब मेरे फ़ोन का बैटरी डेड होने वाला था लगभग, लकीली मिल गया तब चार्ज कर लेते हैं इसको। और वैसे जंडल वार्ड में भी था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा चोरी होने का डर रहता है ना, तो वहाँ पर नहीं करवाए, नहीं लगाए चार्ज में। ये मामा के रेफरेंस से ये वाला रूम मिला है, नहीं तो जंडल वार्ड में भी मच्छर मार रहे होते हम लोग। तो हम लोग जो है कि ऑपरेशन करवा के सक्सेसफुली सुबह ही सुबह लगभग हम लोग पहुँच गए थे यहाँ 8:30 बजे, और उसके बाद सारा काम ख़त्म करके अभी जो है कि लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं, और हम लोग अभी नेपाल से बॉर्डर पे आ गए जोगमनी में, और यहीं पे अभी खड़े हैं वेट कर रहे हैं किसी के आने का। उसके बाद पीछे स्कॉर्पियो है, ये वाला स्कॉर्पियो तैयार है। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग, और यहाँ मम्मी खड़ी है। आँख में लग गया है काला चश्मा, तनु काला चश्मा जजताए गड़े मुखड़े पे। और मेरे पीछे देखिए जोगमनी रेलवे स्टेशन, ये यात्रीगण ध्यान दें, यात्रीगण जा रही है, यात्री से अनुरोध है वो अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है, तो अब जो है कि आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, काम तो हो ही गया है, और डॉक्टर 15 दिन के बाद फिर से बुलाया है। अभी आँख में जो 18,000 का हमने कनाडा येलो फोल्डेबल लेंस लगाया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा सूजन आया हुआ है, आज ही ऑपरेशन हुआ, आज ही डिस्चार्ज हो गया, तो थोड़ा सेफ्टी रहना पड़ेगा, 1.5 महीने तक नहाना धोना नहीं है, धूल से धुआं से दूर रहना है। दोस्तों ये है जोगमनी बाजार, अभी जो है कि हम लोग आए हैं यहाँ पे। चलिए और जोगमनी बाजार में हम लोग अभी एक मेडिसिन नहीं मिला वहाँ पर, तो उस मेडिसिन की तलाश में हम लोग अभी निकले हुए हैं, और जाके देखते हैं कहाँ मिलता है, मिल जाना चाहिए वैसे, उन लोगों ने तो कहा कि मिल जाएगा, तो चलते हैं। तब तक आपको सामने से यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है अभी मेरे चेहरे से, क्योंकि कभी कभी चांस बनता है यहाँ आने का। ये सामने मेडिकल है, दुकान से दुकानदारी गायब है अभी, हो गया होगा सर्जन नेचर्स कॉल। दवाई की तलाश में हम लोग थे, वो दवाई तो मिला नहीं यहाँ पे। अब जो है कि आगे कोई पीला बिल्डिंग बताया है, पीले बिल्डिंग में जाके देखते हैं ये हमारा नीला दवाई मिलता है या नहीं मिलता है। तो है कसौटी जिंदगी की, कोई राहू मेडिकल हॉल, साहू मेडिकल हॉल यहीं खोजते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। मिल गया, वाह 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 वाह, बहुत ढूंढने के बाद मिला है। 72 रुपये। एक विशाल सा दरवाज़ा है मेरे सामने, देखिए ये क्या है, लोक नारायण
लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वार। ये देखिए क्या है पता नहीं, ये बस अच्छा लग रहा है। सुना करता था कि जोगमणी में एक ट्रेन थी वो जाती थी, और अभी फिलहाल आकर के यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। और मामा जी पान मसाला ले लिए हैं, अपना मौज सही है। तो पता है ये वीडियो नहीं जाएगा यूट्यूब में। ये क्यों नहीं जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा था अभी से। तो ये देख फिर से, चंदू मामा का पान मसाला हो गया तैयार, गर्दा कर दिए। नवल जी का इंतजार करेंगे। माननीय डॉक्टर, माननीय डॉक्टर नवल साहब का इंतजार करेंगे। उनके इंतजार में जो समय लग जाए तब तक पुड़िया खा के समय काटेंगे हम लोग, चाहे टाइम जितना भी हो जाए। हाँ, और यहाँ पर पल्सर गाड़ी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग पसंद कर रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस बॉर्डर इलाके में, नेपाल में भी मैंने देखा कि पल्सर NS 200। हाँ, इधर बवाल हो गया, फॉरम में आ गई है मैडम, मार मार के गांठ फाड़ देगी। सर का इंतजार कर रहे थे हम लोग काफी देर से, फाइनली सर आ चुके हैं। अब जो है हम लोग यहाँ से आराम से निकलेंगे, सर के साथ में जो है कि एक वो हो जाए, सेल्फी हो जाए। ये पूरा दुनिया देख रही है, पूरा भारत। सर को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे। हाँ, वो कर देंगे सर को, बता देंगे। जैन जा सर, यूट्यूब में चैनल सर्च करो। चलिए अब निकलते हैं हम लोग जगमणी से। दीप ज्योति हॉस्पिटल, हाँ दीप ज्योति हॉस्पिटल से हम लोग भी मम्मी को ऑपरेशन करवा के आए हैं। तो ये लाए थे हम लोगों को यहाँ पे, मार्केटिंग ऑफिसर है, सारा काम ये करवा दिए हम लोगों का, बहुत आराम से ऑफिसर है। हाँ, सारा काम अच्छे से जो है करवा दिए। हॉस्पिटल के मार्केटिंग ऑफिसर है, प्लस आई रिफ्रेक्शन करते हैं, माइनर ओटी भी करते हैं, डायग्नोसिस भी करते हैं, ये सारा काम भी करते हैं। इनके थ्रू जो है, इनके थ्रू जो है हम लोग आए, और सारा काम बहुत स्मूथली हो गया एक ही दिन में। और हम लोग सुबह आए थे और शाम को भी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अभी हम लोग पेट्रोल पंप में रुक रहे हैं, पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में। बहुत ही मस्त लोकेशन लग रहा है मेरे पीछे देखिए, फूलों का। और अब जो है आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना छोड़ें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों से शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए बाय। I've been counting down my days, counting down my days to get out. I've been looking for a way from this town.